अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सफदर है। आप देख रहे हैं टेक्निकल माहर सफदर यूट्यूब चैनल। तो अगर आप भी यूट्यूब क्रिएट एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपके पास डाउनलोड नहीं हो रही है, और मैं बताऊंगा कि आपने इसको डाउनलोड कैसे करना है और कहां से करना है, क्योंकि ये प्ले स्टोर पर इस वक्त अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए ये सबसे एंड में भी आएगी। तो अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है ना, आपने आ जाना है प्ले स्टोर गूगल पर, सॉरी गूगल पर। आने के बाद यहाँ पर आपने टैप करना है क्रिएट यूट्यूब क्रिएट ऐप डाउनलोड, और यहाँ पर आपने ये लिख देना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना, ये ऊपर वाला पेज फर्स्ट वाला खुलकर ओपन हो जाएगा। आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यकीन करें कि ये इतनी अच्छी ऐप एप्लीकेशन है। इसमें सिर्फ एक जो है ना फीचर आया है बहुत ही कमाल का। अगर आपके पास 2 लाख वाला मैक भी है ना, वो भी इससे बिल्कुल कम है अगर उस फीचर की बात करें, क्योंकि आवाज़ आपकी इतनी क्लियर करके देता है। और इसके लिए जो है ना, ये आप देख सकते हैं इसका डैशबोर्ड, ये यूट्यूब क्रिएट नेम, यूट्यूब क्रिएट ऐप, लेटेस्ट वर्जन v0.64.7। इसका कैटेगरी जो है ना, ये एडिटर टूल्स है, डेवलपर जो है ना गूगल LLC का है, साइज ये है। और उसके बाद ये बात आपने ध्यान में रखनी है, अगर आपका मोबाइल एंड्रॉइड 8 से जो है ना नीचे है तो ये वर्क नहीं करेगी, अगर इससे ऊपर है तो आपने इसको डाउनलोड करना है। तो सिंपल जो है ना, आपने यहाँ पर डाउनलोड करना है डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का एक न्यू विंडो खोलकर ओपन हो जाएगी। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, इसमें मैं आपको इसके फीचर भी बताऊँगा कि ये इसमें कौन कौन से फीचर हैं, इसमें क्या क्या आप ऐड कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना, ये खोलकर ओपन हो चुकी है। सिंपल आपने जो है ना, यहाँ पर जो है ना डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद जो है ना, आपके सामने कुछ इस तरह का जो है ना इंटरफेस आएगा। ये आप देख सकते हैं YT क्रिएट। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमसे जो है ना लॉगिन मांग रहा है। तो ये बिल्कुल YouTube की एप्लीकेशन है, इसमें कोई खतरे वाली बात नहीं है। आपने सिंपल जो है ना, आपने YouTube वाले Gmail से भी इसको लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी और से भी इसको लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना, जैसे ये ओपन होता है, मैंने जो है ना इसको जीमेल के साथ लॉगिन कर लिया है। अब जो है ना, सिंपल आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ये जो जमा का निशान है यहाँ पर, आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये अलाउ मांगेगा, आपने इसको अलाउ कर देना है। अब जो है ना, ये आपकी गैलरी में आ चुका है। यहाँ पर आने के बाद आपने सिंपल जो है ना, यहाँ से मैं कोई भी एक वीडियो उठा लेता हूँ, जैसा कि ये मैंने वीडियो क्लिक कर ली। जो भी आप अगर जिस भी वीडियो को बनाना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, यकीन करें कि इसका जो नॉइज रिमूव ऑप्शन है ना, ये कमाल का ऑप्शन है, कमाल का। अगर आपके पास 2 लाख वाला माइक है ना, तो ये उसको भी पीछे छोड़ देता है। आप जहाँ पर मर्जी वीडियो बनाएंगे, आपको अवर जो शोर शराबा आता है वो नहीं आएगा इसमें। सिंपल आपकी सिर्फ वॉइस ही आएगी, जैसे बड़े बड़े माइकों में होता है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले आपने ऊपर 3 डॉट पर आना है। 3 डॉट पर आने के बाद यहाँ से आप ऊपर एक्सपोर्ट लिखा हुआ है, नीचे है रेजोल्यूशन। सिंपल आप यहाँ से अपनी रेजोल्यूशन कर सकते हैं, जिस भी साइज में आप बनाना चाहते हैं वीडियो, आप बना सकते हैं। तो इसमें सेव करेंगे कुछ इस तरीके से। अब जो है ना,
ये वाला ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा स्लिप का, पहला यहाँ से आप कट लगा सकते हैं। दूसरा जो है ना फिल्टर्स है, मैं आपको जल्दी जल्दी मैं समझाऊंगा। दूसरा जो है ना फिल्टर्स है, आपके इसके कलर चेंज कर सकते हैं, इफेक्ट है कोई भी इफेक्ट लगा सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, जो भी कम ज़्यादा, इसकी स्पीड भी कम ज़्यादा कर सकते हैं वीडियो की, उसके बाद वॉल्यूम की स्पीड अप डाउन कर सकते हैं आप, और ऑडियो क्लीन। मेन फीचर जो है ना इसका कमाल का ये वाला है ऑडियो क्लिंप। जैसे आप ऑडियो क्लिंप पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है ना ये क्लिंप हो जाना होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप इसको डबल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसको डबल पर क्लिक कर देंगे, डबल यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये डबलिंग हो जाएगी। उसके बाद जो है ना इसके मज़ीद फीचर जो है ना, अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये वाला जो फीचर है ओवरले, इसमें मकसद ये होता है कि आप यहाँ पर इसमें फ़ोटोज़ ऐड कर सकते हैं कोई भी, जहाँ पर भी अपनी वीडियो में चाहते हैं। दूसरे नंबर पर है टेक्स्ट, स्टिकर, साउंड, साउंड भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, और अगर आप इसमें चैप्टर लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसमें वीडियो जो है ना लैंग्वेज इंग्लिश है, स्पेनिश है और हिंदी है, इन तीनों में आप लगा सकते हैं। इसका मेन जो अच्छे वाली चीज़ है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर मैंने इस टोटके पर क्लिक किया और ऑडियो क्लीन अप, यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया तो ये आपके सामने एक पट्टी नुमा चल रही है, ये ऊपर इस तरह से भों कर इस यहाँ पर आएगी तो ये ऑडियो क्लीन अप हो जाएगी, मतलब इसमें से शोर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, आपकी वीडियो एक प्रोफेशनल तरीके से एडिटर हो जाएगी। तो यहाँ पर आप इसमें ऑडियो क्लीन करके सेव करके दूसरे ऐप्स में भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। इसमें खामी ये है कि आप इसमें ग्रीन स्क्रीन वीडियो नहीं ऐड कर सकते, और भी इसमें बहुत सारी खामियाँ, सिर्फ इसमें एक अच्छाई ये है कि आप इसमें से जो है ना ऑडियो जो शोर होता है वो अपनी वीडियो का वो ख़त्म कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें। तब तक दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।